हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव ज़िंदगी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप पे अभी नेटवर्क एंड सेटिंग्स में जब मैं जा रहा हूँ तो कोई वाईफाई का आइकन नहीं शो हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ये एयरप्लेन मोड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसको फिक्स कैसे करें, इंटरनेट पर मैंने बहुत सर्च किया, कोई भी ऑप्शन, कोई भी यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा है जिससे मैं इसको फिक्स कर सकूँ। तो चलिए मैं एक ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले एक मेथड ट्राई करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे और डिवाइस मैनेजर से सर्च करना है यहाँ पे। तो डिवाइस मैनेजर सर्च कर लेना है और जैसा कि आप देख सकते हैं आ गया डिवाइस मैनेजर। तो इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और मैंने ओपन पर क्लिक कर दिया। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब जो सारे चीज़ें ओपन हो चुकी हैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पे आपको जाना है जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ मेनली नेटवर्क एडाप्टर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलटेक का जो है, इसको आपको कर देना है डिसेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि रियलटेक डिसेबलिंग दिस डिवाइस विल कॉल स्टाफ फंक्शनिंग ड्यूरेबल, तो डिसेबल कर दो आप, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल, ये डिसेबल हो गया। अब फिर से मैं इसको करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करके करता हूँ इनेबल, ठीक है, इनेबल डिवाइस। अब ये इनेबल हो जाएगा, वेट कर लेते हैं। इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे आपको इससे रिगार्डिंग वीडियो नहीं मिलेगी। तो मैं भी जो दिखा रहा हूँ उसको आप करो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आइकन आ रहा था एक रियलटेक का, वो चेंज हो गया है और यहाँ पर ये इनेबल हो रहा है और यहाँ पर मुझे लगता है फिक्स हो गया। रियलटेक का जो यहाँ पे एक आइकन दिख रहा था ऐसे ही, कि ऐसा लग रहा था पेंडिंग और नॉट वर्किंग। सो अब देखते हैं करके, शायद हो रहा है। और अब देखते हैं कि यहाँ पे देखो, अब देख सकते हैं फिक्स हो गया, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं कि फिक्स हो गया, पहले यहाँ पे कोई आइकन नहीं आ रहा था जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखो आइकन आ गया। तो गाइस, मैंने इसको सक्सेसफुली देखो फिक्स कर दिया, बहुत सिंपल है। लेकिन पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। तो बहुत सिंपल था, आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर सर्च बार में जाके टाइप करना था, सर्च करना था डिवाइस मैनेजर। उसके बाद जब ऐसे ओपन हो जाता तो आपको यहाँ पे जाके इसको पहले डिसेबल कर देना था, उसके बाद डिसेबल करने के बाद उसको इनेबल कर देना था। बहुत तीन स्टेप थे, बहुत ही सिंपल स्टेप थे। और फिर जब आप देखते यहाँ पर जाके तो आपका ये चल रहा होता। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और भी कोई ऐसी ही प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी क्वेरीज हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।